हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ इस कोरल ड्रॉ के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कि ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें लिखा हुआ अप्रूव्ड, ये स्टैम्प कैसे बनेगी। बेसिकली ये रबर स्टैम्प है, इसका साइज हो सकता है 1 इंच का, 2 इंच का या फिर 1.5 इंच का, वो डिपेंड करता है। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा साइज होगा स्टैम्प का वो होगा 1.5 इंच का, 1.5 इंच का। तो ये स्टैम्प अगर मुझे बनानी है तो ये किस तरह से बनेगी, ये आज की वीडियो के अंदर होने वाली है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके, ताकि आप उसको देख सकें अगर आपको लगता है आपके काम की है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर हम टूल कौन कौन से यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए टाइप कर देता हूँ कि सबसे पहला टूल जो मुझे यूज़ करना है वो है शेप टूल। अब ये शेप टूल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो सर्कल आप देख रहे हैं वो शेप टूल से आएगा, ठीक है। शेप टूल के बाद फिर मैं बात करता हूँ नंबर टू की, मुझे इसकी हेयर लाइन सेट करनी होगी। हेयर लाइन मीन्स उसका जो ये सर्कल का जो बॉर्डर्स की जो विड्थ होती है। उसके बाद मैं बात करूंगा हेयर लाइन कलर की, मुझे उसका कलर भी देना है। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा आपके टेक्स्ट टूल की, जिसमें मैंने अप्रूव लिखा हुआ है। और अप्रूव के बाद फिर मेरे को लेना है वहाँ पे ट्रिम टूल, मैं वहाँ पे ट्रिम करूंगा। ट्रिम करने के बाद फिर लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे को यहाँ पर लेना है फ्री हैंड टूल, एक लाइन क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर लेना है अलाइन सेंटर टूल। तो ये कुछ टूल्स हैं जो मुझे यूज़ करने हैं इस स्टैम्प को बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सर्कल की। तो मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ पे शेप टूल लिया और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल मैं ड्रॉ करूँगा। अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूंगा तो वो इट विल कन्वर्ट इंटू एक्लिप्स फॉर्मेट, ठीक है। वो कुछ इस तरह से ओवल या एक्लिप्स बन जाएगा। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल, जैसे कंट्रोल प्रेस किया तो उसका डायमीटर सेम होता है तो वो सर्कल क्रिएट कर देगा। और कंट्रोल को छोड़ने से पहले आपको माउस का बटन छोड़ना है, नहीं तो वो फिर ओवल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो मेरा बन गया सर्कल। अब इसकी जो विड्थ देखिए, यहाँ पे बहुत मोटी विड्थ थी, बहुत पतली है, तो इसकी आती है हेयर लाइन। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 5। अब इसका कलर चेंज करना है आपको आउटलाइन कर, तो जो भी आपको कलर दिख रहा है यहाँ पे मैचिंग में वो आप कलर ले सकते हो। हालांकि ये तो स्टैम्प पैड पे कलर जो इंक लगी होती है उसका कलर है, बट आप यहाँ पे कलर कोई भी कर सकते हो। बट आपको दिखाने के लिए मैं ले लेता हूँ इससे मिलता जुलता कलर। तो मैंने लिया ये वाला कलर और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर लूँगा सेट आउटलाइन कलर। तो ये आउटलाइन कलर मेरा यहाँ पर आ गया, ये पेन कलर आ गया। इसको डार्क करना हो तो यहाँ पर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कलर पे गया, इससे डार्क कुछ कलर दिखता है आपको तो देख सकते हो, अभी तो कलर आपके सामने ये वाला आ रहा है, ठीक है। मैं इसको और कलर अगर चेंज करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला कलर आ रहा है। तो जो सा कलर आपको चाहिए वो आप कलर ले सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। मैंने कलर चलो ये ले लिया। इसके बाद बात करता हूँ कि मेरे को एक अंदर सर्कल और आ रहा है जो कि पतला सा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं कर चुका हूँ बट आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो उसको छोटा करना है तो मैं विद दी हेल्प ऑफ शिफ्ट की प्रेस करो और कोना कोई पकड़ लो। अगर शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो देखिए सिंगल एरो आ रहा है तो वो एक तरफ से कम होगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो देखिए चारों ओर से बराबर आएगा। तो जहाँ पर छोड़ना है वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। अब इसका जो बॉर्डर है जो विड्थ था वो कम करनी है, तो पहले वाले की 5 थी तो यहाँ की मैं कर देता हूँ 2 और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ वही शिफ्ट प्रेस करके, ताकि वो उसके साथ साथ पहुँच जाए। अगर लग रहा गैप कम है थोड़ा सा नीचे को ले आओ, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक सर्कल और है ये वाला जो डॉट्स में आ रहा है, तो मैं इसी इनर सर्कल को क्या करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी और फिर शिफ्ट दबा के इसको और नीचे को ले आऊँगा। तो ये मैंने लिया। अब लेकिन यहाँ पे देखिए डॉट्स आ रहे हैं बट यहाँ पे डॉट्स नहीं आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो लाइन आ रही है। तो मैं इस पैटर्न को चेंज कर सकता हूँ कैसे, यहाँ पे जाके। तो जो सा पैटर्न आपको चाहिए वो वहाँ पे ले लो। तो देखिए यहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे, डॉट्स काफ़ी दूर दूर हैं तो इसको पास पास वाले ले लो, तो ये पास पास वाले आ जाएंगे। अब मुझे लिखना है अप्रूव, अप्रूव यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे लिखता हूँ पहले स्टार, उसके बाद APPROVED स्पेस स्टार अप्रूव्ड, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद थोड़ा साइज करता हूँ इसका बड़ा,
कलर को चाहिए आपको तो कलर आप कर सकते हो, मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो एक कलर हो जाएगा, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो इसको सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन सब के कलर भी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके करता हूँ सेट आउटलाइन कलर, तो इनका कलर भी सेम हो गया। अब मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसको घुमाना है, तो मैंने इस टेक्स्ट को और सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ जो मेरा सर्कल है डॉटेड वाला इसको सेलेक्ट किया। दोनों का सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पे लूंगा फिर टेक्स्ट टू पाथ। तो वो क्या करेगा, जो पाथ होगा ना, जो सर्कल बना हुआ है उसकी शेप में उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी फिट टेक्स्ट टू पाथ की, और यहाँ पे मैं लूंगा डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, इसको क्लिक करते रहो तो उतना ही ऊपर चला जाएगा। अब इसी तरह मुझे नीचे भी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा इसी टेक्स्ट को दो बार क्लिक करके, तीन बार क्लिक करके, इनफैक्ट सेलेक्ट पूरा हो गया, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी कंट्रोल सी और टेक्स्ट टूल बाहर क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, तो उससे क्या होगा एक कॉपी और बन जाएगी उसी टेक्स्ट की। अब लेकिन मुझे इसको लेना है इसी फॉर्मेट के अंदर, तो मैं इसको क्लिक करूँगा साथ में इसको क्लिक करूँगा सर्कल को, तो सर्कल भी हो गया और ये भी हो गया। और मैं फिर अगेन करूँगा जाके टेक्स्ट में फिट टेक्स्ट टू पाथ, जैसे ही मैंने किया अब ये उसके ऊपर चला गया वहीं पर, तो मुझे इसको घुमाना होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको रोटेट किया, तो कितना रोटेट करना है आपने इसको, आप नीचे ले आइए, तो 1 2 3 ये डिपेंड करता है आपको, नहीं तो आप जो ये रेड पॉइंट आ रहा है यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हो, बट लेकिन अभी आप न्यू यूज़र हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है उसका तो अब इसको आप मत कीजिएगा, मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ और यहाँ से बढ़ा के दिखा रहा हूँ। तो आप चाहे वहाँ से माउस से कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको ये ले लिया, फिर डिस्टेंस फ्रॉम पाथ कितना गैप आपको लेना है उतना गैप आप लेके इसको आप दोबारा से घुमा दीजिए, तो ये बन गया। अब यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब बात समझने की है कि मेरे को ये चीज़ जो ये आ रही है ये मुझे पहले काटनी होगी, ये चीज़ मुझे काटनी होगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये सर्कल अलग है, ये अलग है, टेक्स्ट अलग है, सर्कल अलग है, सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं ग्रुप करूँगा पहले। तो मैंने यहाँ पे पिक टूल लिया और यहाँ पे उस बॉक्स के अंदर इन सभी कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो सारे एक साथ इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे। और मैं करता हूँ कंट्रोल जी, इससे क्या होगा ग्रुप हो जाएगा। अब ये ग्रुप हो गया, अब कहीं भी क्लिक करो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इकट्ठा जाएगा। तो ये मैंने कर लिया ग्रुप। अब ग्रुप करने के बाद मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, ये मैंने यहाँ पे कर दिया ड्रॉ, ठीक है। अब इसको ड्रॉ किया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसकी जो इसको सेंटर करना है मेरे को। अब सेंटर करना है तो मान लो आपका ये टेक्स्ट यहाँ पर है ऐसे है, तो मेरे को सेंटर करना है ऐसे और ऐसे, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा करूंगा क्योंकि ये मेरा पूरा सब्जेक्ट एज ए होल इकट्ठा ही है ग्रुप करने के बाद। तो एक ले लिया मैंने, उसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने दूसरा ले लिया। अब मैं यहाँ पे करूंगा सी, सी सेंटर और ई सेंटर, तो दोनों ओर से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर हो गया। और इसको मैं एक साथ पकड़ के थोड़ा पेज के सेंटर में लेके आता हूँ ताकि वो बॉर्डर के ऊपर ओवरलैप ना करें। तो ये सेंटर हो गया। अब मुझे करना है ट्रिम, तो मैं ऑब्जेक्ट पे गया और यहाँ पे जाऊँगा मैं शेपिंग के अंदर ट्रिम। जैसे मैंने ट्रिम किया देखेंगे आप वहाँ से वो चीज़ कट गई, यहाँ पे करता हूँ डिलीट, तो वो चीज़ आपकी कट चुकी है, ठीक है। अब कट चुकी है, अगर आपको काटना है तो आप काट सकते हैं, अगर आपको नहीं काटना तो आप छोड़ सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कटेगा तो फिर वहाँ पे लाइन आएगी, तो मुझे कट नहीं करना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कलर किया वाइट, क्योंकि अब अगर मैं रखूँगा ना तो ये लाइन ये वाली आ रही है और ये लाइन आएगी, तो मुझे लाइन तो नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लाइन है नहीं। तो मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया एज इट इज सेंटर करने के बाद, और यहाँ पे लेता हूँ हेयर लाइन नन, कि मेरे को लाइन नहीं चाहिए। अब लाइन नहीं चाहिए तो मेरे को यहाँ से लेकिन यहाँ तक तो लाइन चाहिए ना, ऊपर और नीचे। तो अब मुझे लेनी है ये लाइन ऊपर वाली, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और छोटा सा, और यहाँ पे ऐसे कर दूंगा क्रिएट। सेंटर वगैरह हम बाद में करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल टूल से और यहाँ पे कर दिया कलर फिल और बॉर्डर कर दिया इसका नन, विच मीन्स हेयर लाइन होगी नन। इसको अगर आपने बढ़ाना है मैन्युअली तो आप इसको अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो मैंने लिया कुछ इस तरह से। थोड़ा सा कम करना है तो 0.19 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 0.17, और अगर और कम करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 0.15। तो ये लिया मैंने, इसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और यहाँ पे डाउन एरो की करके इसको मैं नीचे ले आया। नीचे लाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो साइज़ है इसको मैं और कम कर दूँगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। 10 से भी आपको और कम करना है तो यहाँ पे 0.08, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लीजिए, तो अब आप देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न हो गया कि एक लाइन बड़ी है और एक लाइन छोटी है।
अब मैं क्या करूँगा, इसी को मुझे और नीचे क्रिएट करना है, तो मैं इन दो लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी करता हूँ, इससे क्या हुआ ग्रुप हो गया। अब ग्रुप हो गया तो मुझे इस लाइन को अगर मैं इसे रोटेट कर दूंगा तो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको नीचे को लेके आया कुछ इस तरह से। लेकिन अब हुआ क्या कि ये लाइन इसी पैटर्न में आ गई, इसको मुझे रोटेट करना है, तो मैं यहाँ से रोटेट लूंगा क्या 180 डिग्री। ये देखिए अब उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया। अब रिवर्स करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है अप्रूव्ड, तो जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे लिया मैंने अप्रूव्ड, और यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट चाहिए जो भी कलर आपको देना है वो आप ले सकते हैं। वो लेने के बाद आप यहाँ पे इसको लिखिएगा और यहाँ पे कलर फिल कीजिएगा, तो जो आपको टेक्स्ट चाहिए इस तरह से ये आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसका सेंटर करना है, मान ली सेंटर ये नहीं है, तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इन्हें ग्रुप कर लो कंट्रोल जी। अब नीचे ऊपर दोनों ग्रुप कर लिया मैंने, इसके साथ मैं टेक्स्ट को लूँगा और यहाँ पे कर दूंगा सी सेंटर और ई सेंटर, ये बराबर हो गया, और करूँगा ग्रुप जी कंट्रोल जी, तो ये मेरा इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको और इसको लूँगा तो यहाँ पे सी सेंटर और ई सेंटर, तो देखिए दोनों एक बार में यहाँ पे बराबर हो गया। हालांकि इसमें अगर आप गैप देखेंगे तो गैप ज़्यादा है, बट मैंने वहाँ पे गैप कम लिए, लेकिन जो आप गैप लेंगे तो उस हिसाब से वो कर देगा। अगर मैं इसको ठीक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे करना क्या होगा कि इस अनग्रुप करके इसको इस लाइन को थोड़ा सा मुझे ऊपर ले जाना होगा और इस लाइन को मुझे थोड़ा सा नीचे ले जाना होगा, दैट्स इट। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट और बन जाएगा, तो और करना हो तो इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो फाइनली मैं क्या करूँगा, बाद में सिलेक्ट करके पूरे को कंट्रोल जी कर दूंगा और ये मेरी स्टैम्प यहाँ पे बन गई है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और हाँ चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि आपकी जो मोटिवेशन है मुझे मोटिवेट करती है ऐसे ही कुछ न्यू वीडियोज़ लाने के लिए आपके समक्ष। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।